हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज फिर हम आपके सामने एक अनबॉक्सिंग लेके आए हैं। ये तो इसके अनबॉक्सिंग शुरू करते हैं। बेसिकली एक ईयर क्लीनिंग आइटम है बेसिकली, तो हम शुरू करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग। तो देखते हैं इसमें क्या आइटम्स मिलता है हमको, कितने आइटम हैं इसके अंदर। तो शुरू करते हैं। ये अमेजोन से मंगवाया है हमने। वैसे तो इसके रिव्यूज वगैरह काफी अच्छे थे। अभी इसमें क्या क्या आइटम मिलता है और किस किस चीज के लिए वो काम आता है अभी हम देखते हैं इसको। ये देखिए, एक पैकेट मिला है हमको इसमें और एक ये इसका बिल है। तो हमें देखते हैं इसके अंदर हमको क्या क्या मिलता है। मे भी शायद टेप हटाने के बाद ये इजीली ओपन हो जाएगा। ये देखिए, क्लोजअप करके हम आपको इसमें दिखाते हैं वीडियो में कि इसमें हमको क्या क्या आइटम मिला है। वैसे तो ये सारा ओपन करके ही मिला है, अभी इसमें देखते हैं ये क्या है। आई थिंक इस पे कॉटन लगा के आप ईयरबड बना सकते हो और ये आई थिंक क्लीनर है। तो मैं इसको और थोड़ा पास से दिखाता हूँ सो दैट इस पे फोकस हो बेसिकली। इस पे जो ब्रिसल्स हैं वो सिलिकन टाइप लग रहा है मुझे, ठीक है। मे बी शायद ब्रश क्लीन ब्रश है बेसिकली, ये कोई क्लीनिंग वगैरह के लिए। तो अभी हम देखते हैं इसमें और क्या क्या आइटम मिलता है हमको। इसमें एक ये ट्वीज़र है। ईयर में आप कोई चीज़ क्लीनिंग कर रहे हैं तो आप अगर फ्रंट साइड से हम देखते हैं कोई चीज़ तो हम पिक नहीं कर पाते हैं, हमारे हाथ उसमें थोड़े से एंगल में अटक जाते हैं, मतलब हमको दिख नहीं पाता है प्रॉपर। तो इसको एंगल बनाने के लिए इसमें एक एंगल दिया है बेसिकली। अगर आप देखेंगे तो एक ये एंगल दिया हुआ है और एक टिप दिया हुआ है इस ताकि आप इसको बंद कर सकें। एक ये ब्रश दिया हुआ है, बहुत सॉफ्ट है ये। एक ये ईयर क्लीनिंग के लिए दिया हुआ है। मेटल के हैं ये सभी आइटम्स, अदरवाइज बाकी सभी मेटल के हैं। ये थोड़ा उससे छोटा है, ये वाला थोड़ा सा बड़ा लग रहा था साइज में, ठीक है। और ये इस साइड में कॉटन के लिए दिया हुआ है बेसिकली। ये क्लीनिंग के लिए दिया हुआ है और मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ यहाँ पे। एक ये छोटा है बेसिकली साइज में, यहाँ पे ये भी एक छोटा साइज में दिया हुआ है और एक ये भी। ये तीन साइज अलग अलग हैं शायद। और एक ये है स्प्रिंग के लिए, ये एक स्प्रिंग के लिए दिया हुआ है इन्होंने। और एक ये फिर क्लीनिंग का दिया हुआ है। ये फोर क्लीनिंग के दिए हुए हैं, ये सब सेम साइज के हैं। ये फोर तो जो हैं वो सेम साइज है। और एक ये ब्रश ब्रश है शायद क्लीनिंग वगैरह के लिए, जो ईयर वैक्स होता है उसको क्लीन करने के लिए जब इस पे ब्रश पे लग जाए या किसी भी चीज पे। और इनका अगर मैं आपको बताऊं बेसिकली, तो ये जो आइटम है, ये जो स्प्रिंग वाला है, ये बेसिकली किस चीज के लिए है, आप इसको इजीली यूज कर सकते हैं। ये कहीं लगने का नहीं है कान में अगर आप साफ करते हैं ईयर वैक्स निकालने के लिए। क्योंकि डॉक्टर्स, मैंने कुछ वीडियोस देखे यूट्यूब पे, तो उसमें बोलते हैं कि कॉटन ईयरबड से हमें साफ नहीं करने चाहिए। उससे क्या होता है, अगर आपके कान में ज़्यादा ईयर वैक्स लगा है तो वो जब आप साफ करते हैं बेसिकली वो काफ़ी अंदर चला जाता है। और इसमें क्या है, आप इसको ना थोड़ा रोटेशन में देके अभी जो साफ करेंगे इसमें एक स्प्रिंग टाइप लगा है, ठीक है। तो वो एक चूड़ी जैसा काम करता है, जैसे एक पेंच होता है, ठीक है। जैसे जैसे ये अंदर जाएगा तो वो पेंच अपनी जगह बनाता हुआ चला जाएगा और जो मैल है, जो आपका ईयर वैक्स है, वो स्प्रिंग के अंदर चला जाएगा। आप इसको निकालते वक्त तो आप इससे इसमें होगा और बाहर निकालने के बाद आप इस पे ब्रश से क्लीन कर सकते हैं। इस तरीके से है बेसिकली। हाँ, ये देखिए इतनी आइटम्स इसमें मिली है मुझे। फोर पीसीज ये हैं, वन पीस ये, वन वन ये हैं, और एक ये है ट्वीज़र, और एक ये, और एक ये है, और एक ये। 11 आइटम्स इसमें टोटल मिले हैं। और एक ये इसका बॉक्स है ताकि आप यूज़ करने के बाद इस बॉक्स के अंदर वापस रख सके सो दैट ये कहीं इधर उधर गुम ना हो। तो अभी के लिए दोस्तों इतना ही। अगर वीडियो हमारी अच्छी लगे तो हमारे यूट्यूब वीडियो चैनल को शेयर करें, हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर करें और बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक करें सो दैट हमारे न्यू वीडियोस आपको अपडेट मिले। थैंक यू।